हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइज, ये वीडियो आने वाले बहुत दिनों के बाद में ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार ट्यूटोरियल। तो ये ट्यूटोरियल अलग होने वाला है, क्योंकि कहीं पे भी आपको वो ट्यूटोरियल नहीं मिला होगा जहाँ पे रियलिस्टिक क्लोथिंग कैसे बनाए, वो भी टेक्सचर के साथ। तो आज हम लोग रियलिस्टिक क्लोथ कैसे बनाते हैं वो उसका मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। और क्लोथ बनाने में किसने वाले हैं, किसका बनाने वाले हैं, सल्लू भाई का। सल्लू भाई का क्लोथ बनाने वाले हैं हम लोग। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करना ही करना है, क्योंकि ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल आपको मतलब सीखने को मिल रहा है, तो लाइक कर देना। टेक्सचर के साथ सीखने को मिलेगा पूरा फुल ऑन ट्यूटोरियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है सलमान खान सर की ड्राइंग, जिसकी आज हम लोग ट्यूटोरियल देने वाले हैं। मतलब ड्राइंग का नहीं, हम लोग टी शर्ट का ट्यूटोरियल देने वाले हैं। आपको पता ही, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। तो ये थोड़ा सा ड्राइंग है, मैं आपको दिखा देती हूँ। फेस बन चुका है, बैकग्राउंड बन चुका है, मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, बट अभी मैं टी शर्ट का वीडियो बना रही हूँ, तो आप देख लो। ये जो टी शर्ट है, ये जो ड्राइंग है, वहाँ पे आपको रेफरेंस दिख रही होगी साइड में। तो ये जो टी शर्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श लाइट पड़ रही है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे कैसे क्या करना है। एंड यहाँ पे जो हम मटेरियल यूज़ करने वाले हैं वो होने वाला है चारकोल पाउडर और ग्रेफाइट पाउडर। ये दोनों ही होममेड है। कैसे बनाया जाता है उसका मैंने पूरा अच्छे से वीडियो बना दिया है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। एंड बाकी यहाँ पे हम लोग इसको ब्लेंड वगैरह करने के लिए मेकअप ब्रश का यूज़ करने वाले, दो मेकअप ब्रश का यूज़ करने वाले, एक फाइन और एक थोड़ा सा मोटा मेकअप ब्रश का यूज़ करने वाले, जहाँ पे ज़्यादा जगह हमें करनी हो। एंड यहाँ पे हम इरेजर का यूज़ करने वाले हैं हाईलाइट वगैरह देने के लिए। यहाँ पे नॉर्मल इरेजर का यूज़ होने वाला है हाईलाइट के लिए, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको निडर इरेजर दिखा देती हूँ। बाकी मोनोजर इरेजर यहाँ पे कोई काम का नहीं है, खाली निडर इरेजर और नॉर्मल इरेजर काम में आएगा, मतलब प्लास्टिक इरेजर और निडेड इरेजर, तो ये दो ही काम में आएंगे। ऐसे तो ज़्यादा प्लास्टिक इरेजर काम में आएगा, बट फिर भी यहाँ पे हम निडर इरेजर का यूज़ करेंगे कहीं पे अगर हमें थोड़ा कम हाईलाइट देना हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा लाइट पार्ट है, क्योंकि जो लाइट पड़ रही है फ़ोटो पे वो बहुत ज़्यादा हार्श है, इसलिए कहाँ पे जो हाईलाइट है वो बिल्कुल ही वाइट है और जो शेडो है वो बिल्कुल ही ब्लैक है। तो बिल्कुल ही ब्लैक शेडो के लिए हम लोग यहाँ पर चारकोल पाउडर का यूज़ करने वाले हैं, और चारकोल पाउडर से हम लोग बिल्कुल ब्लैक वाला जो पोर्शन है उसको कवर करने वाले हैं। पहले हमें जहाँ जहाँ पे शेडो है डार्क वाली उसको हम कवर कर लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से समझ में आए कहाँ पे कैसे हमें आगे करना है। तो चलो इसको जो भी डार्कन पार्ट है उसको हम गाइस, यहाँ पे अभी मैं ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। ग्रेफाइट पाउडर का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऊपर वाले साइड में, जहाँ पे बहुत ही जो शेडो है वो ज़्यादा डार्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू ये जो नीचे वाली शेडो है उससे कंपेयर करो तो वहाँ पे कम शेडो है। तो वहाँ पे मैं ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेफाइट पाउडर थोड़ा सा लाइट होता है। तो यहाँ पे जो भी फिर बाद में नीचे भी थोड़ा सा जहाँ पे कम शेडो है वहाँ पे हम ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, एंड पूरा अच्छे से उसको फिलअप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो किस तरीके से मैं वहाँ का पार्ट कवर कर रही हूँ। एंड वहाँ पे हम इरेजर और टेक्सचर भी बना रहे हैं, जिससे वो यहाँ पे जो ये टी शर्ट है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्सचर है, तो इरेज करते वक्त मेरे को टेक्सचर भी बनाना है। तो आप लास्ट में देख लेना कैसा टेक्सचर आता है, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि स्मूथ नहीं बनाया आपने, फोल्ड होगा कुछ नहीं, बट वो टेक्सचर है तो हमने टेक्सचर बनाना है। अब हम लोग जो भी हमने खाली जगह छोड़ी थी वहाँ पे हम लोग नॉर्मली पेंसिल का एच बी पेंसिल मतलब नॉर्मल पेंसिल का यूज़ करके हम लोग उसको फिलअप कर देंगे, देन उसको भी हम लोग ब्लेंड कर देंगे। फिर जो हमें यहाँ पे बॉर्डर है, जो भी हमने छोटी छोटी वर्क करी है उसको हम लोग डिफाइन करते रहेंगे, एंड जो हमने हाईलाइट देना है उसको हम लोग निडर इरेजर से पहले अच्छे से हाईलाइट दे देंगे, देन जो हार्श हाईलाइट है जो बिल्कुल ही ज़्यादा लाइट में है उनको हम लोग जो हमारी प्लास्टिक इरेजर होती है उससे देंगे, एंड देन उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग ग्रेफाइट को ब्लेंड करेंगे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा वाइट दिखेगा तो वो अलग चला जाएगा, इसलिए हम उसको ब्लेंड भी करते रहेंगे। और यहाँ पे अभी हम लोग चारकोल पाउडर का जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया था हमने वहाँ पे वापस से उसके ऊपर कर रहे हैं यूज़, जिससे वो मिक्स, क्योंकि हमने ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ किया था तब वो मिक्स हो गया था, इसलिए अब हम लोग वहाँ पर वापस से चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर जो हाईलाइट है उसको ऐड करते जा रहे हैं। मतलब इस प्रोसेस को हम लोग दोहराते जा रहे हैं जब तक जो हमें फ़ोटो वाला रिज़ल्ट है जब तक वो नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग इस प्रोसेस को दोहराते जा रहे हैं।
रहे हैं। तो ऊपर की हमारी जो टी शर्ट है वो बन चुकी है एंड वो रियल में बहुत अच्छी दिख रही है। पता नहीं वीडियो में ये इतनी अच्छी क्यों नहीं दिख रही है, बट रियल में वो बहुत अच्छी दिख रही है। एंड अभी जो नीचे है, लाइक ऊपर तो बहुत सारे हाईलाइट्स थे, अब नीचे बिल्कुल ही डार्क पार्ट है, जो टी शर्ट का नीचे का डार्क पार्ट है वहाँ पर थोड़े बहुत हाईलाइट है, जिसको हम लोग निडल रिजल्ट से कर देंगे एंड उसको भी हम लोग ब्लेंड करेंगे जिससे वो मिक्स हो जाए, अलग ना दिखे। इसलिए जो भी आप हाईलाइट दो तो इस बात का ध्यान रखो उसके ऊपर वापस से आपको ब्लेंड करना है जिससे वो अलग ना दिखे, वो फिर बाद में बिल्कुल ही अलग दिखने लग जाता है, बिल्कुल अलग सा इरेज करा हुआ लगने लग जाता है। एंड अब इस टी शर्ट पर एक नेम है जो पूरा वो ब्रांड नेम लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग जेली रोल पेन से करने वाले हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइट है एंड अगर हम लोग उसको मोनो जीरो रेजर से इरेज भी करेंगे तो उसका उतना ज़्यादा वाइट वाला टेक्स्चर नहीं आएगा, वो वाइटनेस नहीं आएगा उसमें, वो बिल्कुल चमकेगा नहीं और यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा है जो कि इरेज भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर जेल पेन का यूज़ कर रहे हैं, वाइट जेल पेन का, आप देख सकते हो, आप भी ये यूज़ कर सकते हो, आप खरीद सकते हो, नॉर्मली आपको लोकल शॉप में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो उसको हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, इसको हम कैसे भी नहीं लिख सकते, जैसे फोटोग्राफ में जैसे टी शर्ट्स में दिख रहे हैं, जैसे वहाँ पे सल बन रहे हैं वैसे वो आड़े टेढ़े होते हैं नेम, उसको वैसे करना है आपको, बिल्कुल वैसे स्ट्रेट लिख दोगे तो वो टी शर्ट से मैच नहीं करेगा। जैसे हमने वहाँ पे रिंकल्स बनाए उसके हिसाब से हम लोग को करने हैं एंड अच्छे से करने हैं जिससे वो मैच होए, अलग ना दिखे, बिल्कुल स्ट्रेट ना दिखे। स्ट्रेट होते ही नहीं है टी शर्ट में जो नाम है, वो रिंकल्स की वजह से फोल्ड हो जाते हैं। सो उस फोल्डनेस को हमें दिखाना है एंड उसको डिफाइन करना है, जो कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो उस तरीके से वो रियल दिखेगा। तो आपको भी इस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब जो हमारा नेम है वो कंप्लीट होने वाला है, इसके आगे का आप देख ही सकते हो, टी शर्ट तो बिल्कुल कंप्लीट हो ही चुकी है, मैंने आपको बहुत ही इजीली यहाँ पे बता दिया है कि कैसे आपको कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। एंड बाकी आप बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है, एंड मैं इसके बाद एक और वीडियो लाने वाली हूँ जो कि ये जो मसल्स है कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाई है। टी शर्ट के ऊपर आपको ये वाली वीडियो मिल चुकी है, कमेंट में बताना, मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म में आपको फटाफट से बता दिया है। और अगर कुछ और भी जानना हो तो कमेंट में बता देना, और किसी और भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता देना। बाकी ये वीडियो तो बन गई है एंड जो बाकी जो हार्डनेस था वो कैसे बनाया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि काफ़ी सारे जनों ने वीडियो बनाया बट उसमें हार्डनेस नहीं बताया कि बिल्कुल ही हार्श लाइट वाली जो टी शर्ट है उसको शेडो को कैसे कवर करा जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। एंड मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।